नमस्कार दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर संवाद करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इस महत्वपूर्ण बातचीत के केंद्र में एलजी साहब हैं, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था है और दिल्ली के 18 लाख बच्चे हैं जिनको जिनके भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने ले रखी है। पूरी दुनिया में शासन को चलाने, व्यवस्था को चलाने के जो लोकप्रिय तरीके रहे हैं, वो दो ही रहे हैं, सस्टेनेबल तरीके जो रहे हैं। एक तरीका रहा है लोकशाही का, एक तरीका रहा है राजशाही का। एलजी साहब के कंटेक्स्ट में अगर सोचे तो एलजी साहब जो है राजशाही भी नहीं चला सकते, क्योंकि राजा के पेट से नहीं जन्मे हैं। अगर एलजी साहब के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो लोकतंत्र का तरीका भी उनके लिए उपयुक्त तो नहीं, क्योंकि वो चुन के नहीं आए हैं, इलेक्टेड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मठाधीशों ने उनको एक तीसरा तरीका बता दिया, कहा कि न तो राजशाही चलाइए आप, न तो लोकशाही चलाइए आप, चलाइए तानाशाही, आप चलाइए गुंडागर्दी, आप चलाइए मनमर्जी। अब दिक्कत यह है कि जो व्यवस्था को तानाशाही के हिसाब से चलाएगा वो लोकतांत्रिक मूल्यों को जूते की नोक पर रखेगा ही। नतीजा के दिल्ली के 2 करोड़ जो लोग हैं, उन लोगों के सेंटिमेंट्स को जो उनके जनप्रतिनिधि प्रेजेंट करते हैं, नतीजा ये निकला कि एलजी साहब आज की तारीख में उन 2 करोड़ लोगों के प्रतिनिधियों से मिलने का समय नहीं निकाल पा रहे। मेरा दुर्भाग्य कि मैं भी दिल्ली के उन 70 विधायकों में से एक हूं। 70 इसलिए कह रहा हूं कि मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं, हालांकि बाकी जो 8 हैं उनको लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं विधानसभा का चीफ व्हिप हूं और एक लेटर आपको दिखा रहा हूं। जून 2022, 7 जून 2022 से बतौर चीफ व्हिप, बतौर दिल्ली विधायक, उनसे मैं अनुनय, आग्रह, निवेदन सब कुछ कर रहा हूं कि मिलने का समय दे दीजिए। उनसे मैं अलग से मिलके दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली के अंदर जमीनों के ऊपर जो भूमाफियाओं के कब्जे हो रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की जो डेटोरिएट होती सिचुएशन है उसके ऊपर बात करना चाह रहा था। समय नहीं निकाल पा रहे। जब दिल्ली की विधानसभा से निकलकर हम सभी विधायक उनके दरवाजे पहुंचे तो कुतर्क ये आया कि समय लेके थोड़ी ना आए थे, अपॉइंटमेंट लेके थोड़ी ना आए थे। हमने कहा ठीक है भाई, हमें लगा लोकतंत्र में लोकहित से बड़ा क्या होगा, और अपने आप को बहुत चिंतित दिखाते जान पड़ते एलजी साहब के पास तो विधायकों से मिलने का समय होगा ही, क्योंकि वो गली छाप भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से तुरंत मिल लेते हैं, छुटभैये नेताओं से तुरंत मिल लेते हैं। उनका बस चले तो स्पीड ब्रेकर का उद्घाटन अगर भाजपा के गली छाप गुंडे उनसे करवाएं तो वो पहुंच जाए, उसमें स्पीड ब्रेकर के उद्घाटन के लिए पहुंच जाए। तो यहां तो भाई हजारों लाखों वोट पाए हुए जो एमएलए उनसे मिलने का तो समय होगा ही, लेकिन हम गलत थे, उनके पास समय नहीं। मुख्यमंत्री महोदय ने पत्र लिख के एक समय मांगा तो भी समय न मिल पाना इस बात का प्रतीक है कि हकीकत में एलजी साहब दिल्ली वालों के हक को, दिल्ली वालों के हितों को अपने जूते की नोक पे रखते हैं, और लोकतंत्र में अहंकार से, तानाशाही से जो शासन चलाता है वो सीधे सीधे लोकतंत्र का गला घोटता है, जो एलजी साहब कर रहे हैं। आप सोचिए, खाली विधायकों की बेइज्जती करनी हो तो अलग बात है,
दिल्ली के अंदर 36 लाख जो मां बाप हैं, उनके जो 18 लाख बच्चे हैं, उन 18 लाख बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने, जिन शिक्षकों का हाथ है, उनमें एक बड़ा रोल गेस्ट टीचर्स का है, जिसे एलजी साहब ने अहंकारवश भूत प्रेत की संज्ञा दे दी, कह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो घोस्ट है। भाई साहब आप बताइए, उनको वो घोस्ट कह रहे, बोले नॉन एग्जिस्टेंट है। दिल्ली के जो 18 लाख बच्चे हैं उनको भूत प्रेत पढ़ा रहे हैं। पता नहीं ये आपकी किस कैटेगरी में रखेंगे। जो राजनीति शास्त्र को जानने वाले होंगे वो इस तरह की टिप्पणियों को राजनीतिक धूर्तता की श्रेणी में रखेंगे कि मूर्खता की श्रेणी में रखेंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी पीड़ा और बढ़ जाती है और चिंता भी बढ़ जाती जब आप ये कहते हैं कि 13 प्लॉट दिए हमने दिल्ली सरकार को, बनाए क्यों नहीं। भाई साहब मैं भी डीडीए का मेंबर हूं, मैं उस डीडीए का मेंबर हूं एलजी साहब जिसके आप अध्यक्ष हैं, और मुझ तक को पता है आप तो फिर भी अध्यक्ष हैं, आप तो माई बाप हैं डीडीए के, आपकी मर्जी के बगैर एक पत्ता डीडीए में नहीं हिलता है, आप तो सर्वे सर्वा हैं डीडीए के। मुझ तक को पता है कि उन 13 प्लाटों का जिक्र जो आप कर रहे हैं उनमें से 4 तो मिले ही नहीं, कब मिलेंगे पता ही नहीं, ना भूतो ना भविष्यति। बचते जो 9 है उनमें से 2 तो विधायकों ने लड़के झगड़ के खाली कराए। अब मेरी पीड़ा यह है कि उस बोर्ड में मैं भी हूं, आपकी कही गई किसी भी बात पे मैं कैसे विश्वास करूं। जब आप गलत आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं, आपके हवाले से लिखी गई चिट्ठियां आपका हलफनामा है, कल को कोर्ट में कोई जाए तो साक्ष्य है, आप संवैधानिक पद पे हैं तो संवैधानिकता की लाज जुड़ी हुई उन चिट्ठियों से, और आप उन चिट्ठियों में झूठ लिख के भेज रहे हैं, ऐसा झूठ जो मुझ जैसे अकिंचन को पता है। मैं मामूली सा सदस्य हूं और अल्पमत का हमारी माइनॉरिटी में हम लोग डीडीए में, मैं और हमारे साथी सोमनाथ भारती जी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा डोमिनेट डीडीए की जो बॉडी है उसमें हम लोग माइनॉरिटी, हम तक को पता है ये बात, आपको कैसे नहीं पता, आपने झूठ कैसे लिख दिया, किस अहंकार ने या किस दुसूचना ने, किस मिस इंफॉर्मेशन ने आपको प्रेरित किया कि आप ये झूठ लिख बैठे अपनी चिट्ठी में, किसने आपको ऐसा पाठ पढ़ाया कि आपने उस संवैधानिक कुर्सी की लाज नहीं रखी जिस पे आप बैठे हुए। दिल्ली के स्कूलों का डंका एलजी साहब दिल्ली में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में बज चुका है। यही वजह है कि जब पूरे दुनिया के शिक्षाविदों का सम्मेलन होता है तो उसमें मनीष सिसोदिया जी को बुलाया जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जिस भाव से, जिस कर्मठता से, जिस लगन से मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अपना बच्चा माना है वो अभूतपूर्व है, अद्वितीय है, और वो मनीष सिसोदिया के अलावा और किसी दूसरे में नहीं है। आप जब उंगली उठा रहे हैं तो इस बात को समझिए कि ये वे मनीष सिसोदिया हैं, ये वे अरविंद केजरीवाल हैं जो सुबह 6:15 बजे अपने नींद का त्याग करके 12 महीने दिल्ली के स्कूलों का दौरा करके सुनिश्चित करते रहते हैं कि सब कुछ ठीक तो है। दिल्ली के अंदर टेंट में चलने वाले स्कूलों का नाम बदल के टैलेंट वाले स्कूलों को तब्दील करने वाले मनीष सिसोदिया हैं ये, जिनके पास प्रोफाइल पोर्टफोलियो तो कई है लेकिन दुनिया के सबसे बेहतरीन और बच्चों के सबसे चहेते शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्हें यह देश, यह दिल्ली और यह दुनिया याद करती है, प्यार करती है उन्हें। तो मेरा आग्रह यह है कि दंभ से और झूठ से बचे एलजी साहब, और लोकतंत्र से जुड़े होने की वजह से, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको एक बार फिर से आग्रह करता हूं आपसे कि जनप्रतिनिधियों से मिलिए,
मैं मना नहीं कर रहा कि आपको गली छाप भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मवालियों से नहीं मिलना चाहिए, छुट भैये नेताओं के साथ टाइम खराब नहीं कर, मैं नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है, आप अपने समय अपने सुनिश्चित करते रहते हैं कि सब कुछ ठीक तो है। दिल्ली के अंदर टेंट में चलने वाले स्कूलों का नाम बदल के टैलेंट वाले स्कूलों को तब्दील करने वाले मनीष सिसोदिया हैं ये, जिनके पास प्रोफाइल पोर्टफोलियो तो कई है लेकिन दुनिया के सबसे बेहतरीन और बच्चों के सबसे चहेते शिक्षा मंत्री के तौर पे उन्हें यह देश, यह दिल्ली और यह दुनिया याद करती है, प्यार करती है उन्हें। तो मेरा आग्रह यह है कि दंभ से और झूठ से बचे एलजी साहब, और लोकतंत्र से जुड़े होने की वजह से, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको एक बार फिर से आग्रह करता हूं आपसे कि जनप्रतिनिधियों से मिलिए। मैं मना नहीं कर रहा कि आपको गली छाप भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मवालियों से नहीं मिलना चाहिए, छुट भैये नेताओं के साथ टाइम खराब नहीं कर, मैं नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है, आप अपने समय का सदुपयोग दुरुपयोग जाने, आप इतने प्रबुद्ध प्रज्ञ हैं, समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का जो जनादेश है, अपने दम और अपने झूठ और अपने अहंकार की भट्टी में उस जनादेश को मत झोंकिए, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे, और आग्रह करते हुए कहना चाहता हूं कि आप मिलिए और आप मिलके आपकी जो जिम्मेदारियों का रास्ता है जिससे आप भटक गए हैं उस रास्ते पर कैसे चलना है, हम विधायक आपको बताएंगे। हम बताएंगे कि कंझावला के बाद स्वाति मालीवाल के साथ जो दिल्ली की सड़क पे हुआ वो इस दिल्ली का सबसे बुरा, सबसे दुखद, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिचय है। उस परिचय को दुरुस्त करने की, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, उन कंधों को मजबूत करिए, आगे बढ़िए, दायित्व बोध के साथ अपनी कमियों को स्वीकारिए और उन्हें दूर करने के प्रयास करते हुए दिखिए, न कि दिल्ली सरकार के चलते फिरते काम में अड़ंगा लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।